विश्व सेवा मिशन के तहत गंगा स्वच्छता का चलाया गया अभियान यूपी के कौशाम्बी जिले के आजकुबरी घाट में मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए विश्व सेवा मिशन के कार्यकर्ताओं ने गंगा तटों की सफाई साफ सफाई का अभियान चलाया। साथ ही आम लोगों को भी गंगा नदी को स्वच्छ व निर्मल रखने के लिए कार्यकर्ताओं ने जागरूक किया। शैलेश मिश्र अध्यक्ष के नेतृत्व में विश्व सेवा मिशन के कार्यकर्ताओं ने कूड़े करकट इकट्ठा कर लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया। कहा कि अगर मां गंगा को निर्मल रखना है तो हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि लोग स्नान करने आते हैं और पॉलिथीन, गंदे कपड़े, शैंपू, साबुन आदि चीजें छोड़ जाते हैं, जिससे हमारी नदियां दूषित हो रही हैं। ये नदियां हम लोगों की जान है, इसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। लोग यहाँ गंदगी फैला देते हैं, ये नदियाँ लावारिस नहीं है, इसके साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए, तभी देश और समाज बचेगा। इस अवसर पर घाट पर मौजूद लोगों ने गंगा माँ को साफ रखने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में अभिषेक तिवारी, कपिल मुनि मिश्र, दिलीप मिश्र, मनोज मिश्र, जितेश त्रिपाठी, पिंटू तिवारी, गिरधारी लाल मिश्र, शंकर लाल तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, किस मिशन के तहत आप ये कहा गया? विश्व सेवा मिशन की ग्राम उत्थान योजना है और उसके तहत हम हर मतलब जो जो गंगा जी के किनारे हैं या अन्य नदियों के किनारे जो भी गाँव बसे हुए उनमें एक जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं और उसके साथ साथ जो है जो भी घाट हैं यहाँ से लेके अभी तक हमारा मतलब आगामी उद्देश्य जो है यहाँ से प्रयागराज और अन्यत्र जो जिलों में ये तो कौशाम्बी जिले में एक कार्यक्रम अभी हमारा चल रहा है और उद्देश्य तो यहीं का है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम है, उत्तराखंड का है, तो वहाँ भी जाके हमारी संस्था जो है हर गाँव में और गाँव के और गंगा जी के किनारे या अन्य नदियाँ जो हैं उनके गाँव, क्योंकि ग्रामीण लोगों के द्वारा ही जो है ये फैलाई जाती है गंदगी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि गैर सरकारी संगठनों को, अन्य लोगों को, इंडिविजुअल पर्सन को भी जोड़ने की एक मुहिम छेड़ी थी, तो हम उस मुहिम को अपनी संस्था के साथ जोड़कर लोगों को जागरूक करना और इसके साथ साथ भारत सरकार की जो भी मतलब एक मिशन छेड़ा गया है। और ये सफाई अभियान जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहता है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, अगर स्वस्थ रहे तो हम लोग चौमुखी नहीं बहुमुखी विकास करेंगे, हर क्षेत्र की ओर हमारा विकास जाएगा, जो फिर हम विश्व पटल पे जो है सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इसका मात्र एक यही उद्देश्य है हम लोगों का। आप नाम? मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 19 से जो है बढ़ाकर स्वच्छता कार्यक्रम को 24-25 कर दिया, तो इस मिशन को हम लोग जो है पूरी तरह जो है पूर्ण करने में तत्पर। मिशन के तहत ये सफाई अभियान चल रहा है जी। ये उद्देश्य हम लोगों का सफाई है, जो हमारी संस्था विश्व सेवा मिशन की तरफ से लोगों को घाट पर पहुंचकर, आज कल के कुबरी घाट में हम लोग हैं और जो लोग घाटों पर आकर अन्यत्र गंदगियां फैला रहे हैं, लोगों को जो लोग यहाँ पर स्नान इत्यादि कर रहे हैं उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक, व घाटों पर पसरी जो गंदगी थी उसको हम सब मिल करके घाटों से हटा रहे हैं, क्योंकि नदियों की शोभा तभी है जब उनके घाट स्वच्छ रहेंगे। और हम सब अपने घरों से घाटों को अशुद्ध करने का ही पूरी योजना बना के आते हैं कि घाट में ले चलेंगे, इस गंदगी को छोड़ देंगे, साबुन, तेल इत्यादि, गुटखा की बहुत सारी पन्नियाँ यहाँ पर घाटों में हमने देखा कि लोग फूके हुए हैं, गुटखा की पन्नियाँ हैं, बच्चों के छोटे छोटे गंदे कपड़े हैं, घाटों में छोड़ कर चले जाते हैं। इसके प्रति हम लोग यहाँ पर आए, लोगों को जागरूक किया, लोगों को ये बताया कि स्वच्छता हम लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको अगर हम आप नहीं करेंगे तो एक दिन धीरे धीरे, आज तो कोरोना आया है, आने वाले समय में कोई और बीमारी आएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हम सबका। इसीलिए हम सब घाटों में जा कर के नदियों और आसपास में पसरी गंदगी के प्रति लोगों को जागरूक करके हमारी संस्था उस गंदगी को वहाँ से हटाती है। आज हम सब कड़े के कुबरी घाट में एकत्रित होकर के घाटों की स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं और स्नान आरतियों और स्थानीय लोगों को घाटों की स्वच्छता और नदियों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना ही हमारी संस्था का इस समय उद्देश्य है, हम सब यही कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शैलेश।